नमस्ते दोस्तों, केके जी क्रिएटिव ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दो ऐसे पैटर्न को बताने वाली हूँ जिसकी बुनाई तीन उल्टा और एक सीधे से होती है। इसके लिए मैंने कुछ बॉर्डर बना लिया है। अब इस बॉर्डर के ऊपर मैं डिजाइन स्टार्ट करूँगी। डिजाइन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने एक फंदे को बुना, उसके बाद तीन उल्टा फंदा बुना, फिर एक फंदा पीछे फंदा करके एक सीधा बुन लिए, फिर तीन उल्टा बुनेंगे, फिर पीछे फंदा करके एक सीधा बुनेंगे, फिर आगे फंदा करके तीन उल्टा बुनेंगे। एक नॉर्मल बुनाई जिस तरह होती है उल्टे सीधे की, उसी तरीके से इस पूरे रो को बुन लेंगे, तीन उल्टा और एक सीधा। अब हम पीछे से एक उल्टा बुनेंगे, फिर तीन सीधा बुनेंगे। जो आगे से हमने तीन उल्टा बुना था उसके पीछे का साइड का तीन ये सीधा बुन लेंगे, फिर आगे फंदा करेंगे, फिर उसके बाद एक उल्टा बुनेंगे। एक उल्टा बुनने के बाद पीछे फंदा किए बगैर एक सीधा बुन लेंगे जो जाली के रूप में बन जाएगा, फिर तीन सीधा बुन लेंगे, फिर आगे फंदा करेंगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे लेकिन फंदा को पीछे किए बिना, फिर एक सीधा बुन लेंगे, फिर तीन सीधा बुनेंगे, फिर आगे फंदा करेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे और पीछे फंदा किए बगैर, देखिए इस तरीके से इसको फंदे को डालकर सीधा बुन लेंगे और तीन सीधा। इसी प्रक्रिया को पूरी लाइन में रिपीट करेंगे। जहाँ भी उल्टा आएगा उसकी जगह एक उल्टा बुनने के बाद फंदे को पीछे किए बगैर सीधा बुन लेंगे, तो वो एक तरह से जाली बन जाएगा। वो अब ये लाइन पूरी हो गई। अब आगे के लाइन में देखिए कैसे करना है। ये एक सीधा हमने बुन लिया, फिर तीन उल्टा जो था उल्टे के ऊपर तीन उल्टा हम बुन लेंगे, फिर पीछे फंदा करेंगे और जो ये फंदा एक बढ़ा हुआ है उसको नीचे से लेकर ऐसे गिरा देंगे, ऐसे निकाल कर इसको गिरा देंगे, फिर तीन उल्टा बुनेंगे, फिर पीछे फंदा करके ये जो हमने एक फंदा बढ़ाया था उसको पलट दीजिए और इस तरीके से बुनाई करके उसके ऊपर से गिरा दीजिए, यानी कि दो का एक हो जाएगा ये। फिर उसी तरीके से इसको भी करेंगे, इस तरीके से पूरे रो की बुनाई इसी तरीके से करते जाएंगे। तीन उल्टा के बाद एक सीधा बुनेंगे लेकिन सीधा को ऐसे करके फंदे को गिराकर ऐसे बुनाई करेंगे, फिर आगे फंदा करके फिर तीन उल्टा बुनेंगे और फंदे को पलट कर दो का एक करना है और नीचे से गिरा कर इसे। फिर ये रो हमारा ये इस तरीके से कंप्लीट हो गया। फिर पीछे के रो में देखिए कैसे करना है। एक सीधे पर सीधा, फिर जो आगे से हमने उल्टा बुना था उसकी जगह तीन सीधा बुनेंगे, फिर आगे फंदा करके उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा, दो लाइन ऐसे ही बनेगी। यानी कि ये लाइन जो जा रहा है इसका अगला लाइन भी सीधे पे सीधे उल्टे पे उल्टे की बुनाई कर लेंगे। डिजाइन बनाने के बाद दो सिलाई सीधे पे सीधे उल्टे के पे उल्टे की बुनाई करने के पश्चात पीछे से जो ये पीछे के साइड से जो है तो तीन सीधे पे सीधा और उल्टा पे उल्टा बुनेंगे लेकिन फंदा को जैसे हमने नीचे के साइड से किया था पलटे बिना सीधा बुन लेंगे।
जैसे तीन सीधा बुने फिर उल्टा बुनेंगे आगे फंदा करके, फिर फंदा को पीछे किए बिना तीन सीधा बुनेंगे, फिर फंदा को आगे करेंगे फिर उल्टा बुनेंगे, फिर फंदे को पीछे किए बिना सीधा बुन लेंगे, यानी कि जाली बना लेंगे। जिस तरीके से हमने नीचे किया था उसी प्रक्रिया को दोहराते रहना है। इस तरीके से दो दो सिलाई के बाद ये प्रक्रिया को दोहराने से एक अच्छा सा डिजाइन बन जाता है। अब आगे के साइड से फिर से वही प्रक्रिया जिसे हमने नीचे दोहराया था उसी को दोहराना है। तीन उल्टा बुनना है, उसके बाद पीछे फंदा करके इन फंदों को दो को एक नीचे वाला फंदा को लेकर इस तरीके से गिराकर दो को एक कर लेना है। तीन फंदा फिर उल्टा बुनना है, फिर फंदे को पीछे करना है, फिर इस फंदे में को पलट कर इधर से बुनाई करके उसके ऊपर से गिरा लेना है। यही प्रक्रिया को दोहराते हुए पूरा डिजाइन बनेगा। पूरे रॉ में इसी प्रक्रिया को दोहराया हमने और इसी को दो सिलाई के बाद फिर रिपीट करते जाना है। इस तरीके से जितना दूर तक आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। जितना लंबा स्वेटर बनाना हो इस प्रक्रिया को दोहराते हुए स्वेटर की लंबाई, तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दिखता है। देखिए पीछे से इस तरीके से दिखता है, स्ट्रेचेबल होता है। कुछ और बनाने के बाद मैं एक दूसरा डिज़ाइन भी इसी के ऊपर मैं आपको सिखाने वाली हूँ। जैसे अभी इस रॉ को सीधे पे सीधे उल्टे पे उल्टे हम बुन लेंगे, दो तीन सिलाई बुनने के बाद फिर नया डिजाइन इसी तरीके से तीन उल्टा और एक सीधे पे ही दूसरा डिजाइन बताने वाली हूँ। ये डिजाइन कुछ इस तरीके से दिखता है आगे से और पीछे से इस तरीके से दिखेगा।
इसी के ऊपर मैं एक दूसरा डिजाइन जो तीन उल्टा और एक सीधे से ही बने हैं उसको बताने वाली हूँ। इसके लिए आप जो भी जैसे तीन उल्टा हमने बुना, उसके बाद आप चाहे इधर से भी फंदे को उठा सकते हैं और चाहे पीछे से फंदे को फिर एक सीधा बुन लेंगे, सीधे पर सीधा बुन लेंगे। उसके बाद इस तरीके से भी फंदे को तीन फंदे को बढ़ाना है, फिर तीन उल्टा बुनना है, फिर पीछे फंदा करके ऐसे करके आपकी सुविधा के हिसाब से फंदे को तीन फंदे को बढ़ाना है, किसी तरीके से बढ़ा लीजिए। फिर एक सीधा बुने, फिर तीन फंदे को बढ़ाया, इस तरीके से तीन उल्टा फिर बुनेंगे, फिर पीछे फंदा करके तीन फंदे को ऐसे करके उंगलियों से फंदे को बढ़ाना है, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर फंदे को तीन फंदे को फिर बढ़ाएंगे, फिर आगे फंदा करके तीन उल्टा बुन लेंगे, फिर पीछे फंदा करके ऐसे तीन फंदे। आप सुविधा के हिसाब से फंदे चाहे उल्टे हाथ से या सीधे हाथ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक सीधा बुनना है, फिर तीन फंदे बढ़ाने हैं, फिर तीन उल्टे बुनना है, फिर फंदे को बढ़ाना है, फिर तीन उल्टा बुनना है। इसी प्रक्रिया को पूरे रो में दोहराते हुए जितना भी लंबा होगा उस पीछे के साइड से भी आपको इसका एक्शन लेना है। जैसे उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधे तो बुनाई करते हैं, लेकिन जो फंदा हमने बढ़ाया है उसको तीन फंदे को घटाना है। ये तीन सीधा पहले हमने बुन लिया, अब ये तीन जो फंदा हमने बढ़ाया था उसको ऐसे करके निकाल कर तीन को एक कर लेंगे। थोड़ा सा हमने टाइट बना लिया है, इसको थोड़ा लूज बनाएंगे तो पीछे से बनाने में आपको इजी रहेगा, इसको बढ़ा निकालना मुश्किल हो रहा है तो इसलिए मैं इसको ऐसे करके निकालने के लिए थोड़ा थोड़ा ढीला कर दे रही हूँ। और इस फंदे को ऐसे तीन को एक कर लिया, जो इस तरीके से हो गया। फिर जो हमने सीधा बुना था उसको एक उल्टा बुन लेंगे, फिर इस तीन फंदा जो हमने बढ़ाया था तीन को एक कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इसको ढीला कर लेंगे इसको, ताकि ये अच्छी तरीके से सिलाई पे आ जाए। अब तीन को एक कर लिया हमने, फिर उसके बाद तीन सीधा बुन लेंगे, फिर आगे से ये एक दो दो और तीन, ये तीनों को ऐसे करके ढीला करके एक दूसरे पर चढ़ा कर उसको तीन को एक कर लेंगे। थोड़ा सा ये मैंने टाइट बना लिया है, लेकिन आप बनाइए तो ढीला बनाइए तो आसानी से निकल जाता है। फिर एक उल्टा बुन लेंगे, फिर तीन को एक कर लेंगे, इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए पूरा रो कंप्लीट करेंगे। अब ये तीन का एक हो गया, फिर तीन सीधा बुनेंगे, फिर तीन का एक करेंगे। फिर एक उल्टा बुनकर फिर तीन को एक करेंगे। तीन को एक करने के बाद पीछे से फिर फंदा पीछे करके तीन सीधा बुन लेंगे। अब आगे से एक सीधा बुनने के बाद तीन उल्टा बुनेंगे। तीन उल्टा बुनने के बाद अब ये तीन को एक, हम जो एक सीधा है उसको बीच में रख के दोनों साइड से एक एक फंदे को इस तरीके से घटाएंगे, जैसे गले पे घटाते हैं। दो को एक किया पहले, फिर उसके बाद एक फंदे को ऊपर से गिरा दिया, उसी के बाद तीन उल्टा फिर बुनेंगे, फिर पीछे फंदा करके
एक फंदे को जैसे ये इस सिलाई पे चढ़ाकर दूसरे पीछे साइड से इसको उठा लेंगे, इस दूसरे फंदे पर उठाकर इसको दो को एक पहले हम करेंगे, उसके बाद इनको फंदे को ऊपर से गिरा देंगे, फिर आगे से तीन फंदा बुनेंगे, उसके बाद इन दो फंदों को पहले सिलाई पे उतार के इस पे उठा लेंगे, उसके बाद इसको ऐसे इसके ऊपर चढ़ाकर इस फंदे को थोड़ा सा पलटना है ताकि ये सीधा दिखेगा, और उसके बाद ये दो को एक किया, फिर उसके बाद ऊपर से एक गिरा दिया, यानी कि तीन का एक हो गया, फिर तीन उल्टा बुनेंगे, फिर पीछे फंदा करके दोनों फंदों को ऐसे एक दूसरे पे उतारेंगे एक दूसरे सिलाई पे, उसके बाद इस फंदे को आगे हम इस सिलाई पे चढ़ाएंगे और दो को पहले एक इन दोनों फंदों को कर लेंगे, उसके ऊपर से इस फंदे को गिरा देंगे, इसी प्रक्रिया को फिर इस रो में दोहराते रहेंगे। ये डिजाइन हमारा तीन रो में बनता है, तो इस तरीके से ये डिजाइन एक तीन रो का ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। फिर दो सिलाई हमारा सीधा पे सीधा, उल्टे पे उल्टे, नॉर्मली यानी कि तीन उल्टा और एक सीधा के बुनाई के हिसाब से बनेगा। अब ये पीछे के साइड से तीन सीधे पे सीधा और एक उल्टे पे उल्टा बुनाई का नॉर्मली बुनाई कर लेंगे। अब ये ऐसे बन गया, पीछे से फिर उल्टे पे उल्टे सीधे पे सीधे की पर बुनाई कर लेंगे। जिस तरीके से नीचे का हमने फंदे बढ़ाए थे उंगलियों से ऐसे कर कर के, उसी तरीके से फिर फंदे तीन फंदे बढ़ाएंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर तीन फंदे बढ़ाएंगे। फंदे थोड़ा ढीला बढ़ाने से पीछे से हमारे को बनाने में एक तीन को एक करने में इजी रहेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर तीन फंदे हमने बढ़ाए, फिर एक सीधा बुना, फिर एक तीन फंदे बढ़ाएंगे, सीधा के पहले और सीधा के बाद फंदे बढ़ाने हैं, फिर तीन उल्टा बुनना है, उसके बाद फिर तीन फंदे को बढ़ाना है, फिर एक सीधा बुनना है, और सीधे पर फंदे, सीधे फंदे हमेशा सीधे पर सीधे रहेंगे, और उल्टा के लिए आगे से फंदा करके तीन उल्टा बुनना होगा। तो इस तरीके से आपको जिस तरीके से हमने नीचे का रो बनाया था उसी तरीके से इस रो को भी, इस लाइन को भी कंप्लीट करेंगे। एक डिजाइन हमारा तीन सिलाई से पूरी हो जा रही है। आगे से हम पहले बढ़ाते हैं, फिर पीछे से हम तीन को एक करते हैं, और तीसरे सिलाई में फिर तीन को एक करते हैं। इस तरीके से हमारा बराबर फंदे हो जाते हैं और ये डिजाइन भी कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रक्रिया को पूरी स्वेटर में बनाते जाएंगे, दोहराते जाएंगे। तो ये एक बेल नुमा डिजाइन तैयार होता है।
पीछे से फिर जो फंदे हमने बढ़ाए थे उसको 3 को 1 करेंगे। पहले इस रो में पूरे 3 फंदे को एक एक करना है। इसके नेक्स्ट रो में फिर जो ये 3 फंदे हैं उसको एक करना है। इस तरीके से ये फंदे बराबर हो जाएंगे आपके और डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे के साइड से जिस तरीके से हमने नीचे किया था 3 को 1 यानी कि जैसे गले पे करते हैं, 2 को पहले आगे किए उसके ऊपर से फंदे को गिराकर 3 को 1 कर लेंगे। इसी तरीके से इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब इस तरीके से ये डिजाइन दिखेगा कुछ। पीछे साइड से मैं थोड़ा सा बनाकर आपको दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से ये ऊपर वाला डिजाइन हो गया, ये नीचे का डिजाइन हो गया। डिजाइन अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।